सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त देश की प्रदेश की महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और नारी के सम्मान की जनता अगर किसी ने की है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है, जहां केंद्र की सरकार ने पंचायतों के अंदर बहनों को 50% आरक्षण दिया। आज सबसे ज़्यादा सांसद महिला भारतीय जनता पार्टी की, विधायिका भारतीय जनता पार्टी की, जिला पंचायत की अध्यक्षाएँ भारतीय जनता पार्टी की, मेयर भारतीय जनता पार्टी की, पार्षद भारतीय जनता पार्टी की, मतलब हर जगह महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम हमारी केंद्र की सरकार ने किया। और वहीं अभी प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने पैतृक संपत्ति में बहनों को बराबर हक देकर उसको और आगे बढ़ाया है। मैं मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ। और आज जो विशाल जनसमूह यहाँ पर इस कार्यक्रम में दिखाई दे रहा है, ये इस बात का प्रतीक है कि आज मातृशक्ति भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। और मैं इस अवसर पर अपनी बहनों को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। ले जा रहे हैं उनके विकास के अनेकों योजनाएं जो चल रही हैं वो आज जमीन पर दिख रही हैं। तो लेटेस्ट दो योजनाओं के बारे में बात करना चाहूंगी। एक पैतृक संपत्ति योजना जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू की है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहूंगी कि उन्होंने हम बहनों के बारे में सोचा, हम लोगों को सशक्त बनाया, साथ ही साथ हम लोगों को सुरक्षा मिली है। उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगी और एक बार फिर अपनी सारी बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूंगी। बिल्कुल, मैं मानती हूँ कि 100% महिला सशक्त हो गई है। जो आज आप देख रहे हैं यहाँ पर अपार प्यार जो बहनों का है, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एक साल में एक दिन आता है, महिलाओं का दिन होता है, तो आज एक दूसरे को सम्मानित करते हुए आज यहाँ पर जो हमारे कोरोना योद्धा है, जिन लोगों ने कोरोना काल में और जो उत्कृष्ट कार्य करने वालों को यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है, और इसी कार्यक्रम को देखते हुए हम लोगों ने एक शॉर्ट नोटिस में महिलाओं को संदेश दिया है। और आप देख रहे हैं कि इतनी अपार जो भीड़ यहाँ पर है, तो मैं बधाई के पात्र हैं सभी। महानगर महिला मोर्चा ये कार्यक्रम कर रहा है, सभी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपके मीडिया के माध्यम से। और मतलब ये देखने के लिए मिल रहा है कि वास्तव में महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो ये आज आप लोगों को दिखाई दे रहा है। क्या लगता है, महिला जागरूक हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल जागरूक हो रही है, और निरंतर आज आप कहीं पर भी देख लीजिए, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो पायलट है, चाहे वो पुलिसकर्मी है, अलग अलग विभागों में, और ये अलग अलग विभागों में महिलाएँ काम कर रही हैं और पुरुषों के मुकाबले बराबर काम कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में मैं सभी बहनों का हार्दिक स्वागत और बधाइयाँ देती हूँ, और आशा करती हूँ कि महिलाएं, मैं चाहती हूँ कि महिलाएं सशक्त हैं, और थोड़ा बहुत कहीं कमी है तो आने वाले टाइम पे मुझे लगता है कि पूरी तरह से महिलाएं सशक्त होंगी।